हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्मृति मंदाना के बारे में बात करने वाले। इस क्रिकेटर्स में रन मशीन कही जाने वाले स्मृति ने खुद तो एक बड़ा मुकाम हासिल किया ही है, साथ ही वुमेन्स क्रिकेट टीम को उसकी नई पहचान भी दिलाई है। क्योंकि एक समय ऐसा था जब लोग वुमेन्स क्रिकेट टीम के नाम पर सिर्फ मिताली राज और झूलन गोस्वामी को ही जानते थे। लोगों को वुमेन्स क्रिकेट टीम से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं था, बट अब हालात बदल चुके हैं। अब लोग मेंस क्रिकेट टीम की तरह ही वुमेन्स क्रिकेट में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और इस टीम की प्लेयर उन पर खड़ी भी उतर रही हैं। एक प्लेयर जिन्हें लोग विराट कोहली की तरह रन मशीन कहते हैं, स्मृति मंदाना अपने खेल के अलावा अपने क्यूटनेस के लिए भी बहुत फेमस है और बहुत से लोगों की क्रश भी हैं। सो आई थिंक आप समझ ही गए होंगे तो आज मैं किनकी बात करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें उनके एक स्केच के साथ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्मृति मंदाना का जन्म 18 जुलाई 1996 को महाराष्ट्र के मराठी फैमिली में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीनिवास मंदाना और माता का नाम स्मिका मंदाना है। एक भाई भी है जिनका नाम श्रवण मंदाना है। स्मृति जब 2 साल की थी तभी मुंबई से सांगली महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गई थी। स्मृति मंदाना को क्रिकेट खेलने की इंस्पिरेशन उनके पिता और भाई से मिली, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेटर हैं। मंदाना सिर्फ 9 साल की थी जब उन्हें जिला स्तर पर महाराष्ट्र की अंडर 15 टीम के लिए चुना गया था। महाराष्ट्र अंडर 19 क्रिकेट टीम में उन्हें 2007 में खेलने के लिए चुना गया था, जबकि वह उस समय सिर्फ 11 साल की थी। 2013 में उन्हें पहली सफलता मिली जब वह एक दिवसीय खेल में दोहरा शतक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी। सितंबर 2016 में महिला बिग बैश लीग में खेलने वाली पहली 2 भारतीय महिलाओं में से एक बनी। जून 2018 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में नियुक्त किया। वर्ष 2018 में उन्हें ICC ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के लिए रॉचेल हीवो प्लिंट अवार्ड से सुशोभित किया। जून 2018 में मंदाना ने किया सुपर लीग के गत चैंपियन वेस्टर्न स्टॉर्म के लिए हस्ताक्षर किए, जो उस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वर्ष 2019 में उन्होंने सीट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। दिसंबर 2021 को उन्हें ICC महिला T20 प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया। वर्ष 2022 में वो न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए भारत की टीम में शामिल हुई और 2023 में तो कमाल ही हो गया, वेमेंस प्रीमियर लीग ऑक्शन में सबसे ऊंची बोली में बिकने वाली वो पहली खिलाड़ी बनी। बहुत उपलब्धि है भाई साहब, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इस मैडम ने तो कमाल ही कर दिया, इसलिए आगे का वीडियो मैं म्यूज़िक के साथ प्रोसीड करूँगी। एलेक्सा प्ले द सॉन्ग। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.